हाँ बताइए क्या मांगे आप लोगों? सर हमारी 5 सूत्रीय मांग पत्र है, पिछले 2.5 साल में पेंडिंग चला हुआ है। हमारी मुख्य मांग है 65, 70 और 75 साल के आयु पर हमारे पेंशन तो कम से 5-10% पेंशन दिया। गहलोत सरकार ने पिछली बार हमारे जो 75 साल के पेंशन थे उनको 10% अधिक पेंशन दिए। अब हमारे प्रदेश में बीजेपी सरकार आ गई है, प्रदेश में बीजेपी सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है। अभी हाल में केंद्रीय संसदीय बोर्ड की स्टैंडिंग कमेटी में 5 तारीख को वित्त मंत्री की रिपोर्ट सौंपी है कि पेंशन को 80 के बजाय 65, 70 और 75 साल में अधिक पेंशन दी जाने इस बात की सिफारिश की। हमारा निवेदन है कि प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन सरकार से निवेदन है सरकार हमारी मुख्य मांग को पूरी करे, 65, 70, 75 साल को सबको फायदा करे। इसके अलावा गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में अपने पेंशन के लिए कॉम्पिटिशन कटौती की अवधि को 2 वर्ष कम करते 14 साल में पूरी पेंशन देने की बात की। हमारे यहाँ कटौती की अवधि 14 साल है। हम चाहते हैं कि गुजरात सरकार तट पर प्रदेश में भी पेंशन को कम्युनिटी कटौती की अवधि को 2 वर्ष कम करते हुए 12 साल में पूरी पेंशन दी जाए। इसके अलावा हमारा जो फूड सप्लीमेंट है आज ये लागू होने बंद कर दिया सरकार ने, हम चाहते हैं कि फूड सप्लीमेंट वापस शुरू किया जाए क्योंकि बुजुर्ग पेंशन को वृद्धावस्था में हमें जरूरत फूड सप्लीमेंट। इसलिए हमारा डिमांड है कि फूड सप्लीमेंट पूरे शुरू किया जाए। इसके अलावा RGHS जारी उपलब्ध की जाए। इसके अलावा हमारे जो आउटडोर उपचार के लिए 30,000 की लिमिट है इसको अनलिमिट किया जाए कि बार बार पैसे बढ़ाने के लिए डॉक्टर के चक्कर काटने पड़ते। हमारा निवेदन है कि इस सीमा को अनलिमिट किया जाए। इसके अलावा हमारी दूसरी मांग है कि सूचना केंद्र के अंदर अनाधिकृत विवादित भवनों का निर्माण किया बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के काम किया गया। हमारा निवेदन है कि जब तक जांच अधिकारी जांच पूरी नहीं कर लेते इन भवनों का उद्घाटन किया जाए। अगर इन भवनों का उद्घाटन किया जाए तो संगठन की ओर से विरोध प्रदर्शित किया जाएगा। करण सिंह अध्यक्ष, सेवन दिवस राज्य क्रांतिकारी संयुक्त समिति।